सबसे पहले हमें सैनिटाइजेशन खुद के परिवार के ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम हैं तो परिवार है और परिवार हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। ये कोरोना ने हमें समझा दिया है कि हमारा घर दुनिया में हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है, हमारा परिवार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य बहुत सामाजिक प्राणी है, हर चीज में बहुत सामाजिकता हम दिखाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं जुलते हैं सारी सब चीजें, लेकिन इस पर फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगानी होगी। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि ईद को हम बहुत लिमिटेड तरीके से मनाएंगे, नमाज घर पे पढ़ेंगे, सिवैयों की जगह कुछ और अल्टरनेट यूज करेंगे, तो ये चीज सब पे लागू होगी। हमें शादी के अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें पार्टीज के अपने अंदाज बदलने पड़ेंगे, होटलों को भी इंडस्ट्रीज को अपने अंदाज बदलने पड़ेंगे, उद्योगों में कुछ नई चीजों को लाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदलेगी और ये हमें खुद करना होगा, कोई और नहीं करेगा हमारे लिए। हम संक्रमण के एक बहुत गहरे दौर से गुजर रहे हैं, एक ऐसा दौर जो मानवता ने अभी तक नहीं देखा। हम अपने देश की बात करें तो 1,23,000 के करीब मामले कल तक सामने आ चुके थे। कल अकेले 6,361 मामले सामने थे। मौत की बात करें तो देश में अभी तक 3,634 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से अकेले कल 148 हुई। लॉकडाउन के हम चौथे दौर के मध्य चरण में हैं और तब भी ये आंकड़ा अगर आता है तो कहीं ना कहीं हमें डर आता है। सरकार तो ये कहती है कि अगर लॉकडाउन लागू नहीं होता तो ये आंकड़ा 30,000 के आसपास, 30,00,000 के आसपास का होता। लॉकडाउन खुलता जाएगा, बंद भी होगा, हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। आने वाले दिनों में ये आंकड़े हमें और डराएंगे और ऊपर जाएंगे। इस सबसे बचना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, हमें उन कोशिशों में सहयोग करना है, लेकिन जो आने वाला समय है उसमें हमें खुद को संभालना होगा, क्योंकि सरकार लॉकडाउन खोलने पर मजबूर है, नहीं तो देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, गरीब लोग हैं उनका जीना मुश्किल होगा, उनकी जीविकोपार्जन के लिए पैसा कहां से आएगा। तो लॉकडाउन तो खुलेगा, अब हमें यह करना है कि हमारी जो लाइफस्टाइल पहले थी और जो लाइफस्टाइल अब है उसको बदलना होगा। कुछ चीजों को जिंदगी में सदैव के लिए शामिल कर लेना होगा, कुछ आदतों को सदैव के लिए बदल लेना होगा, कुछ आयोजनों के तरीकों को बदल देना होगा, अन्यथा ये आंकड़े हमें और डराएंगे और भयभीत करते जाएंगे। सबसे पहले हमें सैनिटाइजेशन खुद के परिवार के ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम हैं तो परिवार है और परिवार हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। ये कोरोना ने हमें समझा दिया है कि हमारा घर दुनिया में हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह है, हमारा परिवार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य बहुत सामाजिक प्राणी है, हर चीज में बहुत सामाजिकता हम दिखाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं जुलते हैं सारी सब चीजें, लेकिन इस पर फिलहाल कुछ समय के लिए रोक लगानी होगी। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त ये कह रहे हैं कि ईद को हम बहुत लिमिटेड तरीके से मनाएंगे, नमाज घर पे पढ़ेंगे, सिवैयों की जगह कुछ और अल्टरनेट यूज करेंगे,
तो ये चीज़ सब पे लागू होगी। हमें शादी के अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, हमें पार्टीज के अपने अंदाज बदलने पड़ेंगे, होटलों को भी, इंडस्ट्रीज को अपने अंदाज बदलने पड़ेंगे, उद्योगों में कुछ नई चीज़ों को लाना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से बदलेगी। और ये हमें खुद करना होगा, कोई और नहीं करेगा हमारे लिए, अन्यथा संक्रमण हमारे बिल्कुल दाएं बाएं हैं, बचना हमें है। तय आपका। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।